वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज क्लास अपनी कुछ लेट हो गई है, उसके लिए सॉरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज अपनी एल्यूमिनेशन की क्लास रहेगी, प्रदीप्ति के क्वेश्चन करेंगे अपने, 50 एमसीक्यू यहां पे करेंगे। कुछ स्टूडेंट लाइव हो जाइए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास को। जल्दी जल्दी करना है, 9 बजे तक, लगभग 9:15 तक हमें ये क्लास पूरी करनी है, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन करेंगे आज, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है अपने को। आवाज़ सही आ रही है तो मेरे को बता दीजिए। मौसम भी आज ख़राब हो चुका है। वेरी गुड इवनिंग सभी को। देखिए, अच्छी न्यूज़ यहाँ पे ये आप सभी को बताया कि NTPC की एग्ज़ाम डेट है वो फाइनल कर दी गई है। आसानी से नहीं की है, इतने ट्वीट्स किए गए हैं, इतना बड़ा कंपेन चला है, तब जाके ये NTPC की एग्ज़ाम डेट फाइनल की गई है। हमें भी टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी के लिए आवाज़ उठानी होगी। UPPCL में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वहाँ की जो वैकेंसी है उसके लिए भी हमें आवाज़ उठानी होगी। थैंक यू, हैप्पी टीचर्स डे सभी को। थैंक यू PG टेक्निकल, मुस्कान, अशोक। तो 11 स्टूडेंट आ गए हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपने। वेरी गुड इवनिंग। देखिए, टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी जारी हो उसके लिए मैं अभी 9:30 बजे, क्या अपने को हैशटैग रखना है, किन किन लोगों को अपने को ऐड करना है, यानी कि जैसे CM को टैग करना है, ऐसी चीज़ें बताऊंगा और उसमें क्या क्या लिखना है और कब हमें भी अपने लिए आवाज़ उठानी है। अब आपको एटलीस्ट ये तो पता चल गया होगा कि आवाज़ उठाओगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा, ज़रूर हमें जारी होगी वैकेंसी। देखिए, SSC का उन्होंने रिजल्ट डेट डिक्लेयर कर दी, RRB की उन्होंने एग्ज़ाम डेट क्लियर कर दी, तो आप भी अपने आवाज़ उठाइए, ज़रूर सरकार तक जाएगी बात। सरकार तक तो जा चुकी है, ऐसा मत सोचिए कि सेंटर की सरकारों तक ही गई है। सभी राज्यों की सरकारों को भी पता है कि फ़िलहाल क्या माहौल चल रहा है, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, सभी को पता है। तो आप बहुत ही सही टाइम है ये, अपने बीच में 2 दिन का टाइम रखेंगे, आप इस चीज़ को फैलाइए। अपने भी सेम वैसे ट्वीट करना है, ट्रेंडिंग में लेके आना है उसको, ताकि ये बात हमारी जाए आगे। देखिए, टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी है, उसका सिस्टम तो तैयार ही है। JEE के लिए तो उन्होंने फाइनल कर ही दिया कि JEE की वैकेंसी आ रही है, बाकी रह गया जो टेक्निकल हेल्पर है उसका सिस्टम तैयार है, बस साइन होना और एक नोटिफिकेशन आना बाकी है। अब वो हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा भाई, ठीक है, करिए। पहला क्वेश्चन देखिए, मैट्रिक की यूनिट बतानी है आपको, एल्यूमिनेशन की यूनिट आपको बतानी है, जल्दी बताइए। प्रदीपन की इकाई बतानी है, ऑप्शन है कैंडेला, लक्स, ल्यूमेन वॉट या ल्यूमेन, बताइए। स्टूडेंट अभी 13 है, जी शेयर लाइक वगैरह सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो आप कर दीजिए। प्रदीपन की इकाई बी राइट आंसर है यहाँ पे, लक्स तो बी राइट आंसर है। प्रदीपन की जो इकाई है, एल्यूमिनेशन की जो इकाई है वो क्या है, लक्स होती है, ठीक है भाई। बी शिव गोविंद हनुमान ऐसा टेक्निकल, भारती, मुस्कान, सभी का राइट आंसर है यहाँ पे, हनुमान करोल, सभी का राइट आंसर है बी। आगे देखिए तो बताइए, कैंडेला किसकी होती है, सारी चीज़ बताइए, कैंडेला किसकी इकाई होती है, कैंडेला। इस क्लास के बाद में जो लाइव मैं आपको डिटेल्स दूंगा टेक्निकल हेल्पर के बारे में, हमें क्या करना है, उसको कैसे चलाना है आगे, वो भी डिस्कस करेंगे। तो सही है, इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला, यानी कि जो तीव्रता है उसकी इकाई हो जाएगी, कैंडेला हो जाएगी। ल्यूमेन किसकी होती है ये बताइए फिर मेरे को, ल्यूमेन किसकी होती है, ल्यूमेन। मैं नेक्स्ट क्लास का टाइम एडिट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा इसको, 9:30 रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 9:30 आपको लाइव हो रहा है भाई।
तो ये हो जाएगी ल्यूमिनस फ्लक्स की होगी, फ्लक्स की इकाई वेबर होती है, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या हो जाएगी ल्यूमेन होती है। तो ल्यूमेन पर वाट किसकी होती है, दक्षता की होती है। आगे देखिए, आपको लैंपों के मध्य क्षैतिज दूरी और लैंपों की माउंटिंग हाइट का अनुपात किसको संदर्भित करता है, माउंटिंग यानी कि जहां पर उनको लटकाया गया है उसका जो अनुपात होगा वो किस चीज़ को दिखाता है, स्पेस टू हाइट रेशियो, स्पेस और ऊंचाई का अनुपात, स्पेस और तीव्रता का, ऊंचाई और तीव्रता या ल्यूमिनस अनुपात। क्वेश्चन में ही यहाँ पे आंसर दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। बोला गया है डिस्टेंस बटे ऊंचाई, यानी कि स्पेस टू हाइट रेशियो इसको बोला जाता है। ए राइट आंसर है यहाँ पे, जिसने भी दिया है भाई, ए राइट आंसर होगा, सी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदीपन नली यानी कि एल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस, प्रदीपन तली सतह और स्रोत के बिंदु की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कौन सा नियम इस चीज को बताता है, यह चीज आपको बतानी है। सतह और जो बीच की दूरी है, स्रोत बिंदु के बीच की दूरी, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो सी लैम्बर्ट नियम। लैम्बर्ट नियम यहां पे एक स्टूडेंट ने कहा है, लैम्बर्ट नियम तो ओनली कॉस थीटा होगा, लैम्बर्ट नियम कॉस थीटा, इनवर्स स्क्वेयर लो, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आपको बताना है। लैम्बर्ट लॉ पूछ लिया जाए तो कोस थीटा के समानुपाती होता है, तब वो सतह का आ जाएगा यहाँ पे ओनली, ठीक है। तो E बराबर क्या होता है आपको पता है, I बटे R स्क्वेयर कोस ऑफ थीटा होता है। ऑप्शन है लेंस का नियम, इनवर्स स्क्वेयर लॉ, लैम्बर्ट के कोसाइन नियम और कुलाम का नियम। लैम्बर्ट का कोसाइन नियम तो कहता है ई समानुपात होगा कोस ऑफ थीटा के, ठीक है, कोस ऑफ थीटा के। तो ये हो जाएगा इनवर्स स्क्वेयर लो, आई स्क्वेयर आर स्क्वेयर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। अगला देखिए, ज्योति तीव्रता को किस में व्यक्त किया जाता है, वोल्ट ल्यूमेन वॉट एम्पियर। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो अभी अभी बताया था, देखिए हमें पता है वोल्ट एम्पियर वॉट है, ये सारी वोल्ट किसकी होती है, वोल्टेज की, एम्पियर करंट की है, और वाट है वो पावर की है, तो ल्यूमेन बच गया, ल्यूमेन किसकी है, ज्योति तीव्रता की इकाई होती है ल्यूमेन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रकाश गणना के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती है। एल्यूमिनेशन का जो पार्ट है उसमें तो आप जो फिक्स वैल्यू के क्वेश्चन है उसको ज़्यादा ध्यान में रखें। फिक्स वैल्यू मतलब जैसे कि आपको ल्यूमेन पूछ सकता है कि कितने हैं, कौन से लैंप की दक्षता कितनी है, ये चीज़ें फिक्स है, यही ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई। मूलचंद ने बी आंसर किया है यहाँ पे, सेवंथ का बताइए, सेवंथ का सी कह रहे हैं, वाट पर स्क्वायर मीटर मेथड, बी पीजे टेक्निकल। देखिए इनवर्स स्क्वायर लॉ मैंने अभी बताया था, तो ये इसके लिए होता है लाइटिंग के लिए, ल्यूमेन मेथड भी है और वाट पर स्क्वायर मीटर मेथड भी है, तो बी राइट आंसर है इसका। स्टीफन ट्यूब मेथड है, ये नहीं होता इसके लिए, प्रकाश की गणना के लिए नहीं होता है भाई। आगे देखिए, प्रदीपन लैंप का शक्ति गुणक लगभग कितना होता है। फ्लोरोसेंट जो लैंप है उसका पावर फैक्टर आपसे पूछा गया है, 0 इकाई या 0.5 लैगिंग या लीड, 10वें का आंसर, 10वें का आंसर बताइए। सी यूनिटी। तो आप बताइए, जो फिलामेंट लैंप होता है, जो नॉर्मली बल्ब होता है, उसका पावर फैक्टर क्या होता है, फिर इनकैंडिसेंट लैंप उसका इकाई होता है, इसका लैगिंग होता है फ्लोरोसेंट लैंप का, तो लैगिंग आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा डी, 0.5 लैगिंग हो जाएगा, 0.5 लैगिंग डी। रतनलाल, बारूपाल, प्रवीण, सुनील, सही आंसर है आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदीप्ति में अंतराल और ऊंचाई का अनुपात किसके मध्य होता है, यानी कि 1 से 200 के बीच, 1 से 20 के बीच, 1 से 2000 या 1 से 2 के बीच में, जो अभी अभी पहला क्वेश्चन था हमारा शायद, कि स्पेस टू हाइट रेशो,
स्पेस और ऊंचाई का जो अनुपात था वो लगभग कितना होता है? 11वें का आंसर करिए, 11वें का। टेंथ, टेंथ लैगिंग होगा फ्लोरेसेंट लैंप का। अगला देखिए, तो स्पेस टू हाइट रेशो क्या होता है भाई? एक से दो के बीच होता है, एक से दो के बीच। ये फिक्स वैल्यू के क्वेश्चन है। स्पेस टू हाइट रेशियो एक से दो के बीच होना चाहिए, एक से दो हजार नहीं है। सी राइट आंसर है। पीजे टेक्निकल भारती ने सही आंसर दिया है यहाँ पे। हनुमान, क्या बात है भाई, आपके पास जो क्वेश्चन है लेट दिखाई दे रहा है क्या? क्वेश्चन लेट दिखाई दे रहा है क्या आपको? देखिए ये फिक्स वैल्यू के क्वेश्चन है, इसमें क्या एक्सप्लेन करूं मैं। अगला देखिए, निम्न में से किसके लिए न्यूनतम स्तर की प्रदीप्ति की आवश्यकता होती है? सबसे कम एल्यूमिनेशन कहाँ मतलब चल सकता है? डिस्प्ले, सूक्ष्म नक्काशी, सूक्ष्म जहाँ पर आ गया वहाँ तो हो ही नहीं सकता कम, रेलवे प्लेटफॉर्म या ऑडिटोरियम। सी राइट आंसर आ गया सबसे पहले। शारदा देवी आपका गलत है, दिलीप गलत है भाई, प्रवीण शर्मा सही है, राहुल पीजे टेक्निकल प्रवीण। ठीक है, तो रेलवे स्टेशन में नॉर्मल लाइटिंग चल जाएगी वहाँ पे, तो लोएस्ट लेवल है एल्यूमिनेशन का, अगर आ जाए तो आपको रेलवे करके आना है। अगला देखिए, मरकरी वेपर लैंप है वो गिव, कौन सा प्रकाश है मरकरी वेपर लैंप देता है? हेलो विजय राज, 25 स्टूडेंट जुड़े हुए आप, क्वेश्चन करिए अब जल्दी से। डी वाइट लाइट, ग्रीनिश ब्लू लाइट या येलो या पिंक लाइट? मरकरी वेपर लैंप का आपसे पूछा गया है, ग्रीनिश ब्लू लाइट, बताइए क्या होगा? तो सी राइट आंसर है, जो मरकरी वेपर लैंप है उसका क्या होता है? ग्रीनिश ब्लू लाइट का कलर होगा। सी राइट आंसर है 13वें का, जिसने भी सी दिया है। अगला देखिए, प्रदीपन लैंप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े संधारित्र का काम क्या है? डी ऑप्शन नहीं है, तीन ही ऑप्शन है, शक्ति गुणक बढ़ाना या धारा उपयोग कम करना या शक्ति की खपत कम करना। तो जनरल सी बात है कि जो कैपेसिटर है उसका यूज़ क्या होगा अगर अपने प्रदीप्ति लैंप के एक सिरे से जोड़ दिया उसको दूसरे तक। तो इजी सा क्वेश्चन है, 14वें का राइट आंसर दे दिया है सभी ने, सभी का ठीक है भाई। तो इम्प्रूव पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए शक्ति गुणक को बढ़ाता है कैपेसिटर। अगला देखिए, सड़क के प्रकाशन में किस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है? जो स्ट्रीट लाइटिंग होती है वहाँ पर इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय, स्थिर विद्युत या विसरण और नियमित परावर्तन, बताइए। आईटी कंप्लीट हो गया, अच्छी बात है आपका, तो आप कंपटीशन में लग जाइए भाई, और एक अपने लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए, आवाज़ उठाओगे तो वैकेंसी ज़रूर आएगी। हमारी जो टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी है वो तो लगभग तैयार पड़ी है, आपको थोड़ी सी आवाज़ उठानी है। ये बात गहलोत जी को भी पता है कि अब स्टूडेंट है वो एग्रेशन में आ रहे हैं, सभी इसका वैकेंसी के लिए बोल रहे हैं, बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, तो आपको भी बस एक आवाज़ ही उठानी है और कुछ नहीं करना। तो 9:30 बजे ज़रूर लाइव आना है आपको आज। सड़क के प्रकाशन में किस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, डिफ्यूजन और नियमित परावर्तन, इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। अगला देखिए, प्रदीप्ति लैंप में किस प्रकार के प्रवर्तक का इस्तेमाल किया जाता है? फ्लोरोसेंट लैंप है उसमें किस प्रकार के प्रवर्तक का, यानी कि स्टार्टर है वो किस प्रकार का होता है उसमें? स्टार्टर, साढ़े नौ बजे अपने वो डिस्कस करेंगे कि हमें टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी के लिए भी ट्विटर पर अभियान चलाना है, आगे अपनी बात पहुंचानी है भाई। काफ़ी टीचर हैं जो इसके बारे में बता चुके हैं, जो 1-3 सितंबर को डिसाइड हुआ था, अब उसके बाद में आगे क्या है? देखिए 5-7 ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा, उसको ट्रेंड में लाना पड़ेगा, तभी सरकार के ध्यान में आएगी बात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लो टाइप। तो जो स्टार्टर है वो कौन सा यूज होगा? ग्लो टाइप होगा। घरों में प्रदीप्ति स्तर की रेंज क्या होती है?
घरों में पूछा गया है आपको जनरली ट्वीट कैसे करें, यह चीज भी बताऊंगा मैं उसमें आपको, सारी चीज बताएंगे भी। घरों में जो आपको प्रदीप्ति की रेंज पूछी गई है जनरली क्या होती है, सत्रवे में बताइए घरों में। तो घरों में जो रेंज होती है जनरली वो क्या होती है, 100 से 140 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होती है। डी राइट आंसर है इसका, डी डी राइट आंसर होगा भाई, 100 से 140 ल्यूमेन लगभग ये रहता है। आप इसको फिक्स मान के मत चलिए, लगभग ये 100-150, ठीक है। अगला देखिए, उच्च दाब पारद विसर्जन लैंप यानी कि हाई प्रेशर मर्करी डिस्चार्ज लैंप है वो यूज कहाँ नहीं किए जाते, पार्क में, स्ट्रीट लाइट ऑफ प्लेग्राउंड, स्टेज लाइटिंग में या ड्राइंग रूम में। हाई प्रेशर मर्करी डिस्चार्ज लैंप, तो ड्राइंग रूम में है वो हाई प्रेशर मर्करी डिस्चार्ज लैंप यूज नहीं करेंगे, इसकी जो क्षमता है वो कम होती है, तो ड्राइंग रूम है उसमें हमें अधिक तीव्रता की आवश्यकता होती है, तो डी राइट आंसर इसका ड्राइंग रूम हो जाएगा भाई। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा लैंप एक वर्णी प्रकाश प्रदान करता है, सोडियम वेपर लैंप जिसका एक ही वर्ण होगा, कलर होगा जीएलएस लैंप, ट्यूब लाइट या पारद वाष्प लैंप, मर्करी वेपर लैंप। 19वें का राइट आंसर बताइए, 19वें का। सी ए डी, सी ए डी यानी कि आप बी को छोड़ रहे हो बस। तो राइट आंसर क्या होगा वो बताइए, एकल एक वर्णी प्रकाश है वो सोडियम वेपर लैंप का होता है, सोडियम वेपर लैंप का प्रकाश एक वर्णी होता है, किस तरह का प्रकाश होता है ये बताइए, उसका कलर क्या होता है, जो सोडियम वेपर लैंप है उसका कलर होता है पीला। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टार्टिंग में क्या होता है तो बताइए क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, हल्का गुलाबी, तो स्टार्टिंग में हल्का गुलाबी होता है और उसके बाद पीला कलर हो जाता है, और जो वस्तुएं हैं वो आपको लगभग भूरी सी कलर की दिखाई देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शक्ति गुणक किस में उच्चतम होता है, पावर फैक्टर है वो किसका हाईएस्ट होता है, मर्करी आर्क लैंप, सोडियम का या ट्यूबलाइट का या जीएलएस लैंप का। जनरल लाइटिंग सर्विस जीएलएस लैंप को इनकैंडिसेंट लैंप भी बोला जाता है, फिलामेंट लैंप भी बोला जाता है, जो बल्ब यूज करते हैं ना हम नॉर्मल बल्ब वो, तो राइट आंसर हो जाएगा जीएलएस लैंप। कितना होता है इसका पावर फैक्टर, इकाई होता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, तंतु लैंप में एक्रिय गैस का काम क्या होता है, जो एक्रिय गैसें डाली जाती है उनका काम क्या होता है, प्रदीप्ति में वृद्धि करना या ऊर्जा की खपत को रोकना या सेवा के दौरान वाष्पीकरण के प्रभाव को न्यूनतम करना या क्लेयर को कम करना, बताइए क्या होगा। एक्रिय गैसें हैं वो, यानी कि कोई क्रिया नहीं होने देगी, ऐसा समझ सकते हो आप। तो ये किसके लिए होगा, आप सभी को पता है कि इवेपोराइजेशन यानी कि वो वाष्पीकरण के प्रभाव को कम करती है सेवा के दौरान, यानी कि जब लैंप ऑन है तो उस दौरान वो वाष्पीकरण नहीं होने देती है भाई, तो सी राइट आंसर है सी। अगला देखिए, गैस यूज्ड इन गैस फिल्ड फिलामेंट लैंप, गैस से भरे तंतु लैंप में किस गैस का उपयोग किया जाता है, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन। तो दो ही प्रकार की गैसें जनरली यूज करते हैं अपने, नाइट्रोजन और दूसरी कौन सी है बताइए, ऑर्गन। तो सी राइट आंसर है, नाइट्रोजन का यूज करेंगे, ऑर्गन के साथ नाइट्रोजन भी। अगला क्वेश्चन देखिए, टंगस्टन के तंतु लैंप का आउटपुट किस पर निर्भर करता है, आउटपुट जो है टंगस्टन फिलामेंट लैंप का वो डिपेंड किस पर करेगा, लैंप के साइज पर, ढांचे का आकार या तंतु का तापमान या सभी विकल्प सही है। दिलीप वर्मा ने 24वें का डी आंसर किया है, यहां पे समीर खान सी। अशोक, शिव, हनुमान,
समीर खान सी, ओम प्रकाश ने डी आंसर किया है, प्रवीण भारती कुमारी सी। देखिए जो टंगस्टन के तंतु लैंप का आउटपुट है वो किस पर डिपेंड करेगा, लैंप के साइज पर या साइज ऑफ सेल ढांचे का जो उसका आकार है उस पर, या टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट पर। तो जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप है उसका जो आउटपुट है किस पर डिपेंड करेगा, सी राइट आंसर है, टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट पर डिपेंड करता है ये भाई, टेम्परेचर फिलामेंट का जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है। अगला देखिए, एलईडी लैंप की जीवन प्रत्याशा यानी कि कितनी लाइफ होती है, फिलामेंट के लिए जो जनरली है अपने कौन सा यूज करते हैं, टंगस्टन ही यूज करते हैं, 1000 घंटे, 5000, 15000 या 50000। एलईडी लैंप है उसकी दक्षता बहुत ज़्यादा होती है, महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, ये चीज़ें तो फिलहाल सरकार पे डिपेंड है भाई। राइट आंसर क्या है इसका, 50000 घंटे। एलईडी जो लैंप है उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रत्याशा होती है, लाइफ होती है उसकी 50000 घंटे तक उसकी लाइफ होती है, सबसे ज़्यादा होती है ये। अगला देखिए, ल्यूमिनस फ्लक्स जो है उसकी इकाई, मैंने आपको बताया था फ्लक्स की इकाई वेबर होती है, उसी प्रकार ल्यूमिनस जो फ्लक्स है उसकी इकाई क्या होती है, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई 2600 का सी राइट आंसर दिया है दिलीप ने। तो ल्यूमेन होती है ल्यूमिनस फ्लक्स की, कैंडेला होती है तीव्रता की, लक्स होती है एल्यूमिनेशन की, और स्टेरेडियन बताइए किसकी होती है, स्टेरेडियन किसकी इकाई होती है, ठोस कोण, सही है, सॉलिड एंगल की इकाई होती है स्टेरेडियन होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 0 वॉट के लैंप में शक्ति की कितनी खपत होती है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। 0 वॉट का जो लैंप होता है अपने बोलते हैं जनरली कि 0 वॉट का बल्ब है, तो उसकी जो शक्ति की खपत होती है वो कितनी होती है, ऑप्शन है 9 पावर या 5 से 7 या 15 से 20 या 25 से 30। 25 से 30 ये एसएससी जेई इवनिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए जो फिक्स वैल्यू के क्वेश्चन है उसमें हमेशा कन्फ्यूज़न ही रहेगा, क्योंकि कोई सा बोर्ड है अगर UPPCL करवा रहा है तो वो वहाँ पे अलग मान लिया जाता है, कई बार एसएससी वालों ने जैसे इसका आंसर माना है बी माना है इसका राइट आंसर, जनरली ये 12-15 वोट होती है, ठीक है, जनरली 12-15 वोट, पर जो एसएससी जेई है उसने इसका जो राइट आंसर है वो लगभग 5 से 7 वाट माना है, ठीक है। और 0 वॉट का लैंप इसे कहा भी इसीलिए जाता है कि बहुत कम खपत होती है, इसलिए इसको 0 वॉट लैंप कहा जाता है। तो अगर अपने लॉजिकली देखें तो इसका यही राइट आंसर होगा, 5 से 7 वॉट शक्ति होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, JVVNL ने 15 से 20 माना था, अब देखिए यही तो मैं कह रहा था अभी कि जैसे एसएससी जेई है उसने 5 से 7 माना है, JVVNL ने 15 से 20 मान लिया, तो इन चीज़ों का कोई यहाँ पे फिलहाल जो स्टैंडर्ड नहीं है। किस प्रकार के लैंप कम वोल्टेज से भी अधिक चमक देते हैं, कम वोल्टेज पर भी हाई एल्यूमिनेशन देंगे, बताइए, इनकैंडिसेंट लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप या LED लैंप। वायरमैन को JVVNL में, ये वैकेंसी पे ही देखना पड़ेगा भाई, इसके बारे में मेरे ध्यान में नहीं है ये। तो LED जो लैंप है वो क्या करेगा, अधिक चमक देगा। अगला देखिए, प्रकाश तरंग है वो किस वेग से यात्रा करता है, प्रकाश तरंग आपको लाइट वेव की स्पीड बतानी है, वेलोसिटी बतानी है, यहाँ पे 29 का आंसर कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए पहले, 29वें का ए, अरे भाई ये डी कौन कौन कर रहा है, अवतार दिलीप हनुमान, क्यों भाई, हनुमान खरोल कंचन, जो गलत कर रहे हैं उनका नाम ले रहा हूँ मैं, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया है, हमें पता है कि 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये मीटर प्रति सेकंड,
मीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, यानी कि 10 की पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ मैं, तो सेंटीमीटर बना दिया, 10 की पावर 2 और कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ए राइट आंसर है। ये गलतियाँ मत करो, एल्यूमिनेशन में ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए एसएससी जेई का क्वेश्चन आया हुआ है, ये साइंस का क्वेश्चन है। अगला देखिए, लाइट इज प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैंप बाय, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप है, विद्युत शोधन लैंप है, उसमें जो लाइट है वो कैसे उत्पादित होती है, कौन सा प्रभाव काम करता है वहाँ पे, धारा का उष्मीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, गैस या वाष्प में आयनीकरण, या कार्बन इलेक्ट्रोड, किस तरह का प्रभाव है वहाँ पे वर्क करता है, बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का। सही है, यहाँ पे आयनाइजेशन इन ए गैस और वेपर पे ये काम करता है, गैस के आयनाइजेशन, गैस है वो आयनाइज होगी उसके इफेक्ट पर, तभी लाइट प्रोड्यूस होगी उस इफेक्ट पर ये काम कर रहा है। अगला देखिए, ल्यूमिनेंस, ल्यूमिनेंस लिखा गया है यहाँ पे ज्योतिर्मयता, ये अलग चीज़ है भाई, ज्योतिर्मयता पूछा गया है आपसे, ल्यूमिनेंस, इल्यूमिनेशन नहीं है ये ल्यूमिनेंस है, यानी कि बी इसका मात्रक होता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो जो ल्यूमिनेंस जो होता है, ज्योतिर्मयता होता है, वो होता क्या है, देखिए एक मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी तीव्रता है, कितनी तीव्रता है एक मीटर स्क्वायर के एरिया में, तो ये होता है ल्यूमिनेंस, ज्योतिर्मयता। तो आई क्या है यहाँ पे, कैंडल पावर है, यानी कि कैंडेला है, और ए क्या है, मीटर स्क्वायर, तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, कैंडल पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, जो ल्यूमिनस इफिशियंसी है फ्लोरोसेंट ट्यूब की वो कितनी होती है, 5 से 10 ल्यूमेन पर वोट, 15 से 20, 30 से 40, या 60 से 65। गुरदीप सिंह राम राम, सभी को राम राम भाई। प्रवीण शर्मा पीजे टेक्निकल गलत है भाई। ओम प्रकाश क्या हुआ, सर दर्द हो गया। अशोक हनुमान चेत्राम भारती कुमारी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरोसेंट लैंप जो है ट्यूब है उसकी दक्षता कितनी होती है, 60 से 65 ल्यूमेन पर वॉट होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब है, कैन बी ऑपरेटेड ऑन एसी डीसी दोनों पर, या नन ऑफ दिस। फ्लोरोसेंट ट्यूब का आपसे पूछा गया है। तो सी राइट आंसर है, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है सी और डीसी दोनों पर काम करती है, उसको दोनों पर ऑपरेट करवा सकते हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल है, 1000 MSCP मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, मीन स्फेरिकल यानी कि गोलाकार जो चीज़ें होती है उनके लिए, ये जैसे मोमबत्ती है उनकी कैंडल पावर 1000 दी गई है, 500 वाट के लैंप को कार्य पृष्ठ के 2.7 मीटर ऊपर लटकाया गया है, कार्य पृष्ठ पर लैंप के ठीक नीचे प्रदीप्ति बतानी है आपको, एल्यूमिनेशन बताना है ठीक नीचे, बताइए क्या होगा, 35 नंबर का आंसर करिए। ई बताना है आपको, आई की वैल्यू 1000 दी गई है और आपको ऊंचाई दी गई है 2.7, तो अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था उसको अप्लाई कर दीजिए, ई बराबर आई बटे एच स्क्वेयर लगा दीजिए, कुछ भी नहीं करना, ठीक नीचे, ये क्या ठीक ऊपर लटकाया गया है उस लैंप को, यानी कि जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो कॉस 0 एक हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए, तो 1000 बटे 2.7 का स्क्वायर आ जाएगा भाई, 1000 बटे 2.7 गुणा 2.7, जो भी आंसर आएगा आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने दिया 143, सही से गुणा भाग कर लीजिए इसको, 137 आएगा, ठीक है। अगला देखिए, प्रकाश गुणवत्ता के सापेक्ष सबसे महत्वपूर्ण गुणांक क्या है, कलर, चमक, प्रदीप्ति, एक समान प्रकाश व्यवस्था।
प्रकाश की जो गुणवत्ता है उसके हिसाब से लाइटिंग की क्वालिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है, वो चीज़ आपको बतानी है। कलर, चमक, प्रदीप्ति, एक समान प्रकाश व्यवस्था। इन क्वेश्चन को अपने गलत कराते हैं क्योंकि कन्फ्यूजिंग से ऑप्शन होते हैं इनके, सभी मनमोहक ऑप्शन होते हैं और हम क्या आ जाते हैं, लालच में आ ही जाते हैं वे। तो राइट आंसर क्या होगा, मेरे को मिल गया है, पीजे टेक्निकल ने किया है यहाँ पे राइट आंसर, ग्लेयर। जो चमक होती है वो आंखों के लिए कष्टदायी नहीं होनी चाहिए, उनके लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो चमक जो है, ग्लेयर जो है, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, अगर आप लाइटिंग की क्वालिटी को देखना चाहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, प्रदीप्ति लैंप में चौक का काम क्या होता है। चौक जो ट्यूबलाइट होती है अपने बड़े वाली जो डंडे वाली, उसमें जो ये लगा होता है चौक, उसका काम कॉन्टैक्ट मिल जाएगा तो आपको जो इस क्लास के पूरी होने के बाद में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और 9:30 बजे लाइव ज़रूर आना है भाई। तो प्रारंभ करने के लिए, प्रारंभन पर उच्च वोल्टता का उत्पादन, शक्ति गुणांक में सुधार या ऊर्जा की खपत को न्यूनतम करना। तो जो स्टार्टर होता है उसके दो काम होते हैं भाई, स्टार्टिंग में तो हाई वोल्टेज देता है और क्या करता है, जो करंट है उसको कम करने का काम करता है ये। तो बी राइट आंसर होगा, एक स्टार्टर है तो स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करता है और हाई वोल्टेज प्रोवाइड करवाता है स्टार्टिंग में, तो बी राइट आंसर है। अगला देखिए, कार्बन आर्क लैंप का आमतौर पर किस में प्रयोग किया जाता है, सॉरी, कार्बन आर्क लैंप का घरेलू में, सड़क पर या सिनेमा प्रोजेक्टर्स में या फोटोग्राफी में। 38 का आंसर बताइए। देखिए, जो कार्बन आर्क लैंप है इनकी तीव्रता काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा तीव्रता है वो कहाँ हमें ज़रूरी चाहिए, सड़क, घरेलू या फोटोग्राफी में, तो नॉर्मल चल जाएगा। जो सी राइट आंसर है, आंसर सेट मिल जाएगा आपको, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगी, दोनों को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर लो भाई। तो राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर है सिनेमा प्रोजेक्टर। आपने देखा होगा बहुत दूर से लाइट जाकर स्क्रीन पर गिरती है तो उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी, तभी तो वो सही से आपको अच्छी क्वालिटी दिखाई देगी वहाँ पे। अगला देखिए, ल्यूमेन वोट किसकी इकाई है। ल्यूमेन पर वाट, एक वाट में कितने ल्यूमेन। आंसर की नहीं मिली, चलो फिर अगर आंसर की चाहिए तो पीडीएफ भी अगले दिन मिला करेगी भैया आपको। तो ये इफिशियंसी को बताता है, ल्यूमिनस इफिशियंसी को बताएगा, तो डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा आर्क बनाया जा सकता है। आर्क किसके द्वारा बनाया जा सकता है, एसी करंट के द्वारा, डीसी करंट के द्वारा, या एसी के द्वारा या डीसी के द्वारा, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो आपको पता है, ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लास पूरी हो जाने दो उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा आइदर एसी और डीसी, एसी और डीसी दोनों से ही क्या है, आर्क प्रोड्यूस की जा सकती है। अगला देखिए, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था। टेस्ला, मार्कोनी, एडिसन, बेंजामिन। बिजली का बल्ब सही है, सी राइट आंसर अजीत ने। तो एडिसन, एडिसन ने यहाँ पे बल्ब का आविष्कार किया था। उद्दीप्त लैंप में क्या भरा होता है, जो इनकैंडिसेंट लैंप है उसमें भरा क्या होता है, कौन सी गैस भरी होती है, आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। दो तरह की गैसें हैं वो जनरली भरी जाती है, एक तो आर्गन है, एक नाइट्रोजन है, उसके साथ भरा जाता है। तो ए राइट आंसर है, आर्गन गैस भरी जाती है यहाँ पे, ऑर्गन सभी का राइट आंसर है भाई यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ठोस एंगल की इकाई क्या है, ठोस कोण की इकाई बतानी है आपको, सॉलिड एंगल की इकाई स्टेरेडियन है, ठोस कोण है या रेडियन है या कैंडेला है। प्लेन एंगल होता है उसकी इकाई होती है रेडियन, और जो ठोस कोण है उसकी इकाई होती है स्टेरेडियन। तो सी राइट आंसर है अपना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉस्ट किए हुए जीएलएस लैंप के मामले में सेल की फ्रॉस्टिंग किसके द्वारा की जाती है। फ्रॉस्टेड जीएलएस लैंप है, जो सेल की फ्रॉस्टिंग है वो किसके द्वारा की जाती है, एसिड इचिंग,
अमोनिया, ओजोन या नमक का पानी। फ्रॉस्टिंग का मतलब है ठंडा करना, कोल्ड करना। अब इसका राइट आंसर दे दीजिए, कोल्ड करना, तो बी राइट आंसर है। रतनलाल बारूपाल ने सबसे पहले दिया है यहाँ पे, चेतराम ए, बी दिलीप, भारती कुमारी, मुकेश, अजीत, मुस्कान, पीजे टेक्निकल। कुछ स्टूडेंट है जो काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं भाई, डेली कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी भाई। तो अमोनिया राइट आंसर होगा, फ्रॉस्टिंग का याद रखना आप, उसको ठंडा करने के लिए। किस प्रकार के लैंप की प्रदीप्ति क्षमता अधिकतम होती है, मरकरी, इनकैंडिसेंट, सोडियम या फ्लोरोसेंट लैंप। 45 का बता दीजिए। अभी गुड नाइट मत कहो यार, कुछ क्वेश्चन बाकी है। तो राइट आंसर है यहाँ पे, फ्लोरोसेंट जो लैंप है उसकी दक्षता सर्वाधिक होती है, फ्लोरोसेंट लैंप की 60 से 65 ल्यूमेन पर वोट। सी आंसर कर रहे हो, तो राइट आंसर क्या है भाई इसका, फ्लोरोसेंट लैंप है। क्या बात है, आपको क्वेश्चन लेट दिखाई दे रहा है क्या भाई, आपको क्वेश्चन मेरे को लग रहा है लेट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे समतलीय कोण का मात्रक बताइए क्या होगा, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, रेडियन, लक्स, स्टेरेडियन, वेबर। अभी मैंने बताया था जो ठोस कोण है उसका स्टेरेडियन होता है, समतल कोण है उसका क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। और तो इसका राइट आंसर ए है। लक्स किसकी इकाई है, एल्यूमिनेशन की है। वेबर किसकी है, फ्लक्स की है। ल्यूमेन किसकी है, ल्यूमिनस फ्लक्स की है। अगला देखिए, यूपीपीसीएल की एग्जाम डेट अभी तो कुछ भी फाइनल नहीं है। निम्न में से किसमें अधिकतम स्तर के प्रदीपन की आवश्यकता होगी, प्रूफ रीडिंग, शयन कक्ष, अस्पताल के कक्ष या रेलवे प्लेटफॉर्म में तो सबसे कम की आवश्यकता होती है। बारिश की वजह से नेट स्लो है भाई, ये तो चल रहा है आज, दिक्कत काफ़ी आ रही है। तो राइट आंसर आ गया है, सभी का सही है, मुकेश, प्रवीण, सभी का ठीक है भाई। तो प्रूफ अगर रीड करने हैं तो बहुत ज़्यादा लाइट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और सबसे कम पूछ लिया जाए तो रेलवे प्लेटफॉर्म आप कर सकते हो, हल्की लाइटिंग की ज़रूरत होती है। सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन फॉर ए सिनेमा प्रोजेक्टर, सिनेमा के प्रोजेक्टर के लिए कौन सा सोर्स है, इनकैंडिसेंट लैंप, मरकरी, सोडियम या कार्बन आर्क लैंप। अभी अभी ये क्वेश्चन किया था, वहाँ पर ये था कि कार्बन आर्क लैंप है वो कहाँ यूज़ किया जाता है, तो हमने आंसर किया था सिनेमा के प्रोजेक्टरों में। अब उल्टा पूछ लिया है तो डी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन आर्क लैंप डी। अगला देखिए, अपव्यय को बचाना है आपको तो सबसे सस्ता लैंप कौन सा है। तो जनरली हम 10 रुपये लेके चलते हैं और एक बल्ब उठा के ले आते हैं, वो कौन सा होता है, वो GLS लैंप होता है भाई, फिलामेंट लैंप जिसको बोलते हैं, इनकैंडिसेंट लैंप जिसको बोलते हैं। तो डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। मुकेश सैनी ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो भाई, ये बहुत ही गलत बात है। तो डी सभी का राइट आंसर है भाई यहाँ पे। GLS की तुलना में प्रदीप्ति लैंप के क्या नुकसान है, जो प्रदीप्ति लैंप है, फ्लोरोसेंट लैंप है, यानी कि जो ट्यूबलाइट होती है अपने लंबे वाली, उसका GLS लैंप यानी कि जो बल्ब होता है उसकी तुलना में उसका नुकसान बताइए क्या क्या है। क्या उसमें चौक में शोर होता है, आपने देखा होगा जब अपने ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं तो वो बहुत देर तक नॉइज करती है। स्टेटोस्कोपिक इफेक्ट यानी कि ब्लिंकिंग एक तरह से आप समझ सकते हो, वो होता है। हाई कॉस्ट तो है ही भाई, वो महंगी आती है, यहाँ पे अपना 10 रुपये में काम चल रहा है, ठीक है। तो सारी दिक्कतें हैं, तो डी राइट आंसर हो जाएगा ऑल। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेडियम में किस प्रकार की प्रकाश योजना का इस्तेमाल किया जाता है, स्टेडियम है वहाँ पर, डायरेक्ट लाइटिंग, इनडायरेक्ट या फ्लूड लाइटिंग या सेमी डायरेक्ट लाइटिंग, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, 52वें का आप कर रहे हो ए, डी भी किया है भाई किसी ने, सेमी डायरेक्ट भी कर दिया है, बच गया बी और सी। अरे भाई बी और सी भी तो आंसर दो, मैं वेट कर रहा हूँ। बी, रतनलाल ने बी दे दिया है भाई, अब सी बच गया है, सी आंसर कर दो, कोई एक स्टूडेंट, चेतराम ने कर दिया भाई, सी कर दिया है।
तो उन्होंने जो सही किया है वो सही किया है, फ्लूड लाइटिंग है वो स्टेडियम में यूज़ की जाती है, फ्लूड लाइटिंग। अब फ्लूड लाइटिंग होती कैसे है वो देखिए, आपने देखा होगा इस तरह की, आप एक लाइट लेके आते हो मार्केट से, इस तरह की इसकी शेप बनी होती है, कुछ भी मान लीजिए इस तरह, ये इसकी झुकी हुई पत्तियां होती है इस तरह से, इस तरह से। यहाँ पर बहुत सारी LEDs, छोटी 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 LEDs लगी होती है, ये चीज़ आपने देखी है, बहुत सारी लगी होती है इस तरह से, तो इसको फ्लूड लाइटिंग बोला जाता है। तो जो स्टेडियम है वहाँ पे फ्लूड लाइटिंग यूज़ करेंगे। अगला देखिए, परिशुद्धता कार्य हेतु, यानी कि प्रिसीजन वर्क करना है आपको, बहुत ही एक्यूरेटली करना है, तो आपका प्रदीप्ति स्तर है वो लगभग कितना होना चाहिए, प्रदीप्ति का स्तर है वो कितना होना चाहिए, 50, 100, 200, 500। डी राइट आंसर चेतराम प्रवीण ने सही किया है। यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, RK। तो 500 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है, 500 होता है, 500 से 1000 के बीच में आपको आंसर करना है, ठीक है, हाईएस्ट डी राइट आंसर है। अगला देखिए, एक मोमबत्ती की शक्ति है वो 45 कितना है, कैंडेला है, तो इस स्रोत द्वारा कितना फ्लक्स उत्सर्जित किया जाता है, ये चीज़ आपको बतानी है, कितना फ्लक्स उत्सर्जित किया जाता है। जब भी यहाँ पे कैंडल, कैंडल का मतलब है मोमबत्ती की शक्ति, यानी कि ये एक गोलाकार चीज़ की बात कर रहा है, यानी कि ये आपको MSCP मीन स्फेरिकल कैंडल पावर दी गई है, यहाँ पे 45 कैंडेला दी गई है। अरे वाह क्या बात है भाई, आपने आंसर कर ही दिया, देखते हैं कैसे होगा। MSCP जो होता है वो कितना होता है, ऊपर क्या आ जाएगा, ल्यूमिनस फ्लक्स आता है, बटे में आता है 4 पाई, ल्यूमिनस फ्लक्स बटे 4 पाई। अब हमें ल्यूमिनस फ्लक्स पूछा गया है, MSCP हमें दिया गया है, ठीक है, तो MSCP आपका है यहाँ पे 45 है, इंटू 4 इंटू पाई का मान कितना है, 3.14। आप इसको गुणा कर लीजिए, जो भी राइट आंसर आता है आप कमेंट कर दीजिए। 54 नंबर, तो आपको कुछ नहीं करना, 4 पाई से मल्टीप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैंडेला किसकी इकाई है, कैंडेला किसकी इकाई है, अभी अभी मैंने बहुत बार बता दिया है, तो बी राइट आंसर दिया है क्या, वेवलेंथ तो होगा ही नहीं इसका, तो आर्मस्ट्रांग होता है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है। कैंडेला किसकी इकाई है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, तीव्रता की इकाई क्या होती है, कैंडेला होती है। ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या होती है, ल्यूमेन होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पावर फैक्टर कम करने का जिम्मेवार नहीं है, इनकैंडिसेंट लैंप, प्रेरण भट्टी, डिस्चार्ज लैंप या आर्क लैंप। पावर फैक्टर को कम करने का जिम्मेवार कौन नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, तो आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 56वें का राइट आंसर बताइए, 56। आवाज क्या बात होगी, आवाज के भी हेलो सही आ रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनकैंडिसेंट जो लैंप है, फिलामेंट लैंप है, उसका जो पावर फैक्टर होता है वो इकाई होता है, ठीक है, तो ए राइट आंसर है इसका। अगला देखिए, 58 नंबर, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रदीपन की मात्रा को मापने के काम आता है, एल्यूमिनेशन की जो मेजरमेंट है वो किससे करेंगे, वोल्ट मीटर से, स्टेबोस्कोप से, पीएच मीटर से या लक्स मीटर से। तो डी राइट आंसर है सभी का, यहाँ पे एल्यूमिनेशन को मापने के लिए क्या यूज़ करेंगे, लक्स मीटर यूज़ किया जाता है, ठीक है भाई, लक्स मीटर इसका राइट आंसर है। तो अब आप सभी को 9:30 बजे यहाँ पे लाइव आना है, उसमें टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी जो है, UPPCL की जो वैकेंसी है उसके बारे में अपने अब एक अभियान चलाना है। आप सभी को बताया, बहुत से टीचर बता चुके हैं, काफ़ी स्टूडेंट, सभी को पता है बहुत स्टूडेंट है वो पूरी जी जान से लगे हुए हैं। इस बार स्टूडेंट ने ही हैशटैग बनाया है कि टेक्निकल हेल्पर भर्ती जारी करो, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, UPPCL में जो चल रहा है वो है। हाँ खाना खा लीजिए, इतने में आपके पास 20-25 मिनट है यहाँ पे भाई। आज अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे तो कोई दूसरा तो करने को नहीं आएगा, थ्योरी की क्लास नहीं है भाई,
देखिए जो जो ट्विटर पे कंपेन चला एसएससी के रिजल्ट के डेट के लिए चला, तो उन्होंने डेट जरूर बताई। आरआरबी के लिए आज जो चला आप सभी को पता है, 5 बजे थाली वाला प्रोग्राम भी था, सुबह 11 बजे से सब यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, तो उसका भी फ़र्क पड़ा कि आज के आज एग्ज़ाम डेट उन्होंने बता दी कि 15 दिसंबर को एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट है, तो फ़र्क पड़ता है। ये बातें गहलोत जी ने भी सुनी है भाई, ठीक है। हाँ एनटीपीसी की जो तारीख है एग्ज़ाम की डेट है वो आ चुकी है, अब देखते हैं कि वो उस पर रहते हैं या नहीं रहते। जो टेक्निकल की वैकेंसी है वो लगभग फाइनल हो चुकी है, अब आपको आवाज़ उठाने की देर है। 80 ट्वीट किए हैं तो आपका ये योगदान आप मान के चलिए, आपने बहुत योगदान दिया है भाई। जो आर के हैं उन्होंने 80 ट्वीट किए हैं आज, ये कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जो भी और बंदे ट्वीट कर रहे हैं उनको आप बार बार रीट्वीट कर दिया करो, रीट्वीट, जैसे अगर मैं कर रहा हूँ तो उसको भी आप रीट्वीट कर दीजिए। मेरे जो ट्विटर का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा आज डिस्क्रिप्शन में। फिर 9:30 बजे अपने डिस्कस करते हैं कि कब क्या करना है, कोई भी सजेशन हो किस तारीख को करना है, कोई भी सुझाव हो तो अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो सभी को गुड नाइट, अभी नहीं है 9:30 आना है, ओके। यहीं एंड करते हैं क्लास को, कैसे ट्वीट करना है वो अभी बता देंगे आपको, ओके। थैंक यू क्लास को ज्वाइन करने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।